नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भगवान शिव के अपमान को सहन न कर पाई माता सती ने अग्नि में कूद खुद को भस्म कर लिया था, जिस वजह से भगवान शिव क्रोधित होकर माता सती को उठा पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। जहां जहां भगवान शिव मां सती को लेकर निकले वहां वहां उनके देह के अंग गिरे और शक्तिपीठ स्थापित हो गए। देवी पुराण में इन शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है, लेकिन तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं, जबकि कई अन्य ग्रंथों में यह संख्या 108 तक बताई गई है। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार माता सती का ये शक्ति छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की हसीन वादियों के दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दंतेवाड़ा को हालांकि देवी पुराण के 51 शक्ति पीठों में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसे देवी का 52वां शक्ति पीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का दांत गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी देवी पड़ा। दंतेश्वरी मंदिर शंखिनी और डंकनी नदियों के संगम पर स्थित है। दंतेश्वरी देवी को बस्तर क्षेत्र की कुल देवी का दर्जा प्राप्त है। इस मंदिर की एक खासियत यह है कि माता के दर्शन करने आए गर शख्स को लुंगी या धोती पहन कर आना होता है। मंदिर में सिले हुए वस्त्र पहनकर जाने की मनाही है। मान्यता के अनुसार बस्तर के पहले काकातिया राजा अन्नम देव वारंगल से यहाँ आए थे। उन्हें दंतेश्वरी मैया का वरदान मिला था। अन्नम देव को माता ने वर दिया था कि जहाँ तक वे जाएंगे उनका राज वहाँ तक फैलेगा, लेकिन इस पर शर्त ये थी कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा और मैया उनके पीछे पीछे जहाँ तक जाती वहाँ तक की जमीन पर उनका राज हो जाता। शर्त के अनुसार जहाँ अन्नमदेव के रुकता वहीं मैया ने भी रुक जाना था। अन्नमदेव ने चलना शुरू किया और वे कई दिन और रात चलते रहे। वे चलते चलते शंखनी और डंकनी नदियों के संगम पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने नदी पार करने के बाद माता के पीछे आते समय उनकी पायल की आवाज महसूस नहीं की, सो वे वहीं रुक गए और माता के रुक जाने की आशंका से उन्होंने पीछे पलट कर देख लिया। माता तब नदी पार कर रही थी। राजा के रुकते ही मैया भी रुक गई और उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। दरअसल नदी के जल में डूबे पैरों में बंधी पायल की आवाज पानी के कारण नहीं आ रही थी और राजा इस भ्रम में कि पायल की आवाज नहीं आ रही है, शायद मैया नहीं आ रही है, सोचकर पीछे पलट गए। वचन के अनुसार मैया के लिए राजा ने शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर एक सुंदर घर यानी मंदिर बनवा दिया। तब से मैया वहीं स्थापित है। दंतेश्वरी मंदिर के पास ही शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर मां दंतेश्वरी के चरणों के चिन्ह मौजूद हैं और यहां सच्चे मन से की गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।